हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, नया एक हम लोग नया जावा का बेसिक्स से लेकर हाई लेवल क्वेश्चंस तक सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे इन जावा। एंड साथ ही साथ मैं मतलब कोई और लैंग्वेज लाइक सी या सी प्लस प्लस किसी एक में भी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आप सब लोग कैसे हैं, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है, सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं सिंपली आप लोगों को ये बताऊंगा कि जावा को कैसे सेटअप करना है अपने सिस्टम पे। अभी मैंने विंडोज़ खोला हुआ है इसलिए मैं विंडोज़ के लिए ही बताऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले हमको कुछ नहीं, ये JDK हम लोग को डाउनलोड करना है। तो ये ओरेकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप नेट पर सर्च करें JDK डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट या जो भी आपका सिस्टम है। एंड देन आप इसमें गए JE जावा SE डेवलपमेंट किट 8, इसमें आप एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट और एक मिनट जावा SE, हाँ ये वो तो डेमोज एंड सैम्पल डाउनलोड है। तो इसमें आप अपना सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सेट किया। इसके बाद ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा। बट एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने इस बात पे गौर किया कि जब मैं JDK डाउनलोड कर रहा था तो ओरेकल में आपको अब अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा, इसलिए आपको पहले ओरेकल में अकाउंट बनाना होगा एंड देन ओरेकल से आप साइन इन करें, उसके बाद ही आप ये JDK डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए और ओरेकल में अकाउंट बना लें। आफ्टर दैट आपको ये नॉर्मली इंस्टॉल करना है और ये ये यहाँ पे JDK ये और JRE फुल डाउनलोड हो जाएगा आपका अपने मन से और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर ये लोकेशन आप सिलेक्ट करते हैं, लोकेशन अगर आपने कुछ और सिलेक्ट करी तो उस लोकेशन पे होगा, ठीक है। देन अब आता है आपका एक ये यहाँ पे सेटअप हो गया है। फिर आपको यूज़र वेरिएबल एक पाथ वेरिएबल देना पड़ेगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा इनबाउंड में कि मैंने एक पाथ सेलेक्ट किया है जो कि मतलब जावा के बिन पे रेफरेंस करता है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं उसके, मैं आपको परमानेंट तरीका बताता हूँ, एक परमानेंट एक टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट तरीका क्या होता है कि आप गए यहाँ पे एडवांस अपने सिस्टम उस पर दिस PC के प्रॉपर्टीज़ पे, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स इसमें आपने क्लिक किया, ठीक है। फिर यहाँ इन्वायरमेंट्स वेरिएबल सेलेक्ट करा, ये देखिए यहाँ पे एक न्यू करेंगे आप, यहाँ डालेंगे पाथ और ये देखिए प्रोग्राम फाइल्स जावा और ये JDK और बिन, ये पाथ को आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करिएगा और ओके कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं अब दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये देखिए सेम ऐसा हो जाएगा, बस इसको ओके ओके एंड क्लोज। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जो नॉर्मल प्रिंट का होगा, जो कि जावा में होगा। नोटपैड में बनाता हूँ, उसके बाद मैं अगले से सारे प्रोग्राम मैं आपको सबलाइन या कोई दूसरा अच्छे IDE में दिखाऊंगा। तो एक प्रिंट का होगा, यूज़र एक कोई वेरिएबल देगा, इंटीजर देगा बेसिकली, और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल, ठीक है, पब्लिक क्लास प्रिंट, ये मैंने बना दिया। पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास कीवर्ड एंड देन प्रिंट। अब आता है हम इसमें बनाएंगे मेन फंक्शन, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग देखिए, अब इसका मतलब बता दूं मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये फंक्शन क्या होता है, ये हर ये क्लास में अगर जावा का प्रोग्राम हमें लर्न करना है तो जरूरी नहीं है, मतलब एक और तरीका है, अगर हम स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक को ले लें, ठीक है, तो
वैसे भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन में सबसे पहले कंट्रोल जाता है जब भी जावा का प्रोग्राम कॉल होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या होता है? पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर, कि आप मतलब ये पब्लिकली है, ग्लोबल भी कहीं पे भी हो सकता है। देखो स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का होता है कि ये जो मेन फंक्शन है ये सबके लिए जहाँ पे भी इसका इंस्टेंस होगा या जहाँ पे भी इस क्लास का इंस्टेंस होगा उस सबके लिए सेम होगा, कुछ लिए मतलब अलग नहीं होगा ये, एंड ये स्टैटिकली डिफाइन है ये फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन इसका इंस्टेंस बनेगा नहीं बनेगा, तो ये जो मेन फंक्शन हमेशा कॉल होगा ये स्टैटिक होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेन एक आइडेंटिफायर होता है, ये याद रखिएगा, ये कीवर्ड नहीं होता। अगर आपने इसको माई मेन कर दिया या कुछ और कर दिया तो ये एरर दे देगा। देन स्ट्रिंग और एरे ऑफ स्ट्रिंग, जिसका नाम हमने ARGS लिखा है, ये कमांड लाइन इनपुट में जो जो आप कमांड लाइन इनपुट देते हो उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करता है ये, मतलब स्ट्रिंग एरे के फॉर्मेट में ये सारे कमांड लाइन को स्टोर करता है। तो इसका ये काम होता है, ये हमने पास किया इसमें। अब हम इसमें बनाएंगे स्कैनर क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, ये जावा डॉट ड्यूटिल के अंदर होता है स्कैनर क्लास, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं ln लगा देता हूँ, प्रिंट और प्रिंट ln में यही अंतर होता है कि प्रिंट जो होता है वो एक लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता जो कमांड लाइन का वो होता है कंट्रोल, और जो प्रिंट ln होता है उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, ठीक है। एंटर, मैं इसमें लिखता हूँ एंटर अ नंबर टू बी प्रिंटेड, ठीक। मैंने लिया sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सपोज इंट नंबर एंटर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर से मैंने इसको कॉपी किया, जो ये नंबर है नंबर एंटर, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ उस प्रोग्राम को चला के, ठीक। इसको मैंने सेव किया, सेव एस प्रिंट डॉट जावा, प्रिंट डॉट जावा बन गया। अब मैं खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, सीडी डेस्कटॉप जावा सी प्रिंट डॉट, नाम कंपाइल हुआ बन गया प्रिंट डॉट क्लास, इसको रन करता हूँ जावा प्रिंट एंटर नंबर टू बी प्रिंटेड 45 प्रिंट हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, जावा सेटअप हो चुकी है, तो आप सब लोग अपने सिस्टम पे जावा सेटअप कर लें, देन उसके बाद हम आगे का वीडियो लेक्चर साथ ही बनाते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वैसे भी थोड़ा लंबा हो गया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं, ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे, और साथ ही साथ मेरे आप जावा करते रहें तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें जितना भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।